बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटएफ फंक्शन को। और दोस्तों, प्रिंटएफ फंक्शन होता क्या है? अ प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स स्ट्रिंग फ्लोट इंटीजर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऑन टू द आउटपुट स्क्रीन। दोस्तों, ये ब्लैक स्क्रीन दरअसल कहलाती है आउटपुट स्क्रीन, जिस पर आपको आपके प्रोग्राम का रिजल्ट शो होता है। तो इस रिजल्ट को स्क्रीन तक लाने के लिए जिस फंक्शन को यूज किया जाता है सी लैंग्वेज में, वो कहलाता है प्रिंटएफ फंक्शन। दोस्तों, प्रिंटएफ फंक्शन एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसकी तमाम डिटेल्स stdio.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होती है। इसीलिए इस प्रिंटएफ फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले आपको इस फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्रिंटएफ क्या है। वो एक फंक्शन है, याद रखिए, सी लैंग्वेज में जिस किसी भी कीवर्ड के आगे आपको इस तरह से राउंड ब्रैकेट नजर आएंगे, आप समझ जाएं कि वो एक फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन होते क्या है? दोस्तों, सी में फंक्शंस के जरिए आप कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं। जैसे दोस्तों, मान लें आप दो नंबर्स में एडिशन करवाना चाह रहे हैं, तो आपने ये एक प्रोग्राम बना लिया। अब अगर दोस्तों आपको दोबारा किसी और दो नंबर्स में एडिशन करवाना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो है आपके नंबर्स चेंज होते रहते हैं, कभी आपको 10 और 3 को ऐड करवाना होगा, कभी 15 और 16 को ऐड करवाना होगा, यानी मल्टीपल अलग अलग नंबर्स को आपको ऐड करवाने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, फिर आपको तमाम इन लाइन्स को दोबारा से टाइप करना होगा इस तरह से। और अगर आपको मजीद और नंबर्स को ऐड करवाना है, तो इन लाइन्स में, यानी ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये आपको दोबारा से या तिबारा से, यानी बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जब आपको एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करवाना पड़े, तो आप एक दफा एक फंक्शन बना लेंगे जिसमें पूरा टास्क एक बार टाइप कर देंगे। अब जब कभी भी आपको इस तरह से, और जब कभी भी आपको ये टास्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा, तो आप पूरा कोड लिखने के बजाय सिर्फ उस फंक्शन का, यानी जो नेम आपने डिफाइन किया था, वो नेम आप लिख देंगे और ऑटोमेटिकली वो कोड उठकर आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। जैसे आपने ये प्रोग्राम बना लिया है, अब आपने सिंपल इसको, आपको जो है इसका रिजल्ट देखना है, तो आपको इस प्रोग्राम को टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये एडिशन लिखा, इसके आगे दो राउंड ब्रैकेट्स लगाए, सेमी कॉलन लगाए, यानी आपने फंक्शन को कॉल किया और ये रिजल्ट आपके सामने शो हो गया। अगर आपको दोबारा इस प्रोग्राम को रन करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यानी दोबारा दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपने सिंपल इसी फंक्शन के नेम को आपने लिखना है, और यही सिर्फ आपको फंक्शन का नेम लिखना है, और आपका जो टास्क है वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। यानी आप ये देख सकते हैं, यार सिर्फ पहले एक दफा रिजल्ट स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा था, अब दोबारा लिखा हुआ आ गया है, विच मीन्स कि ये टास्क रिपीट हो गया है। लेकिन किस तरह से दोस्तों? जब आपको सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के नाम को लिखना पड़ा है और ऑटोमेटिकली पूरा कोड जो है वो पीछे रन हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों सी लैंग्वेज में फंक्शंस को यूज किया जाता है, ताकि आपको एक ही तरह का कोड बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा कोड बना लिया, उसको फंक्शन का नाम दे दिया, और हर बार आपको सिर्फ उस फंक्शन के नाम को कॉल करना है और ऑटोमेटिकली आपका कोड रन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सी लैंग्वेज में भी दो तरह के फंक्शंस को यूज किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर यानी आप बनाते हैं खुद से, जैसे कि अभी हमने दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए एक एडिशन का फंक्शन बनाया था, इसी तरह से ये कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि प्रोग्रामर्स खुद से बनाते हैं। जबकि दूसरी टाइप है प्री डिफाइंड फंक्शंस। दोस्तों, प्री डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से सी की लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं। उनका नाम, उनकी फंक्शनैलिटी, कि वो किस तरह से वर्क करेगा, सब पहले से डिफाइन होता है। ना ही आप उनके नाम में कोई तब्दीली कर सकते हैं और ना ही उनकी फंक्शनैलिटी में। और अगर आप उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम पता होना जरूरी है, तभी आप उसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये था कि जो आपका प्रिंटएफ फंक्शन है, ये भी दरअसल एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और इसका काम क्या है दोस्तों? जो भी मैसेज आप प्रिंटएफ फंक्शन को देंगे, वो उस मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन क्योंकि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसकी तमाम डिटेल्स सी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। यानी ये फंक्शन पूरा ओवरऑल किस तरह से वर्किंग करेगा, इसकी तमाम डिटेल्स सी की लाइब्रेरी में मौजूद है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसके इस नाम को कॉल करना है
और ऑटोमेटिकली आप जो टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो परफॉर्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आप इसको अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसको अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले आपको इसका सिंटेक्स पता होना जरूरी है। और ये देखिए, यह है इसका सिंटेक्स दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आपके सामने एक कीवर्ड लिखा हुआ है प्रिंटएफ का, और याद रखिए आप जब इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो आप इसको हमेशा लोअर केस में लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर्स में प्रिंटएफ लिखेंगे। इसके बाद है राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास, और आखिर में है सेमी कॉलन, जो कि ये बता रहा है कि आपकी स्टेटमेंट अब एंड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इन डबल कोटेशन मार्क्स में दरअसल वो मैसेज होता है, वो स्ट्रिंग होता है जो कि आप आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड एंड थैंक यू अगली लाइन में, तो आपने सिंपल क्या किया, इस प्रिंटएफ फंक्शन के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहले लिखा हेलो वर्ल्ड, न्यू लाइन के लिए आपने बैक स्लैश एन लिखा और फिर लिख दिया थैंक यू। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर ये रिजल्ट शो हो जाएगा। और दोस्तों ये एक मैसेज भी आप कह सकते हैं, और सी लैंग्वेज में इसको एक स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी आप करेक्टर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स, स्पेसेस वगैरह को यूज कर सकते हैं, और मैसेज के अंदर भी आप ये तमाम चीजें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम दो तरह के मैसेजेस को, दो तरह के स्ट्रिंग्स को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। नंबर वन इज फिक्स्ड स्ट्रिंग एंड नंबर टू इज डायनेमिक स्ट्रिंग। दोस्तों फिक्स्ड स्ट्रिंग से मुराद है कि अगर आप प्रिंटर फंक्शन के थ्रू आउटपुट स्क्रीन पर हमेशा एक ही तरह का मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड स्ट्रिंग का प्रिंटएफ फंक्शन में टाइप करेंगे, यानी यहाँ पर जो आप मैसेज लिखेंगे वो दरअसल एक फिक्स्ड स्ट्रिंग कहलाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये है कि आप डबल कोटेशन में कोई भी मैसेज इस तरह से टाइप कर देंगे तो हमेशा स्क्रीन पर ये मैसेज ही डिस्प्ले होगा, यानी आपका जो ये स्ट्रिंग है ये हमेशा फिक्स रहेगा। यानी अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड शो होगा, अगर आपने थैंक यू लिखा है तो स्क्रीन पर थैंक यू शो होगा। विच मीन्स के जो भी इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा है वो एक फिक्स्ड मैसेज है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते अगर आपने एक बार वो लिख दिया है। जबकि जो दूसरी किस्म है वो कहलाती है डायनेमिक स्ट्रिंग, और डायनेमिक स्ट्रिंग के जरिए आपका स्ट्रिंग डिपेंड करेगा वेरिएबल पर, और उस वेरिएबल पर जिसकी वैल्यू को आप आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। यानी फिक्स स्ट्रिंग में तो आप जो भी मैसेज डबल कोटेशन में देंगे वो एज इट इज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जबकि डायनेमिक स्ट्रिंग में आप जो वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है एक्स, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 10। अब अगर हम इस 10 को, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एक तरीका तो हमें पता है कि हम प्रिंटएफ, यानी हम फिक्स स्ट्रिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया प्रिंटएफ फंक्शन, उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया एक्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिर में हमने, क्योंकि स्टेटमेंट एंड हो रही है, तो सेमी कॉलन लगा दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या अब ये जो है इस एक्स की एक्स वेरिएबल में रखी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और दोस्तों ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिंगल एक्स, यानी यहाँ पर इसने इस एक्स को कंसिडर किया है एक फिक्स्ड स्ट्रिंग, यानी यहाँ पर इसने इसको कंसिडर किया है एक मैसेज। विच मीन्स के जो मैंने आपको बात बताई कि जो भी चीज आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा था तो इसने इसको वेरिएबल कंसिडर नहीं किया, बल्कि इसने इसको कंसिडर किया है एक स्ट्रिंग। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिसके थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यू को भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकें। और इसके लिए जो दूसरा तरीकेकार है हमारे पास वो है डायनेमिक स्ट्रिंग का, और ये इसका सिंटेक्स देखिए दोस्तों। यहाँ आप डबल कोटेशन मार्क में आप कोई फिक्स स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और कॉमा के बाद वो वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू को आपको डिस्प्ले करवाना है, लेकिन उस वेरिएबल में पड़ी वैल्यू को आपको किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है ये बताएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। और दोस्तों जब आप डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, और आप जानते हैं कि तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट के सिंबल से शुरू होते हैं, तो इसीलिए प्रिंटएफ फंक्शन परसेंट के सिंबल को देखते ही समझ जाएगा कि ये कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, ये एक
फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी ये जो मैं आपको बता रही थी कि कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, तो प्रोग्रामर्स ने वो दूसरा तरीका निकाला है फॉर्मेट स्पेसिफायर। जैसे ही फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेगा प्रिंटएफ फंक्शन, ये फौरन जो है ये जंप करेगा इस वेरिएबल नेम पर, और इस वेरिएबल नेम से ये जाएगा उस वेरिएबल की वैल्यू को उठाकर लाएगा और फिर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को दे देगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको उस फॉर्मेट में जो कि यहाँ लिखा होगा, अगर पर्सन डी लिखा होगा तो इंटीजर में तब्दील कर देगा, अगर पर्सन ओ लिखा होगा तो ऑक्टल में तब्दील कर देगा, अगर पर्सन एक्स लिखा होगा तो हेक्साडेसिमल में तब्दील कर देगा। यानी जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के फॉर्मेट में तब्दील करके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। और डियर फ्रेंड्स याद रखिए, जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आप डबल कोटेशन में उसी टाइप का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया था, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर टाइप का ही लेना होगा। इसी तरीके से अगर आपको वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप करवाना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्ट्रिंग टाइप भी, यानी आपको परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना होगा। विच मीन्स के जो वेरिएबल की टाइप होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यहाँ उसी टाइप का यूज होगा। अब दोस्तों, अब इसका सिंटेक्स हम डायनेमिक स्ट्रिंग का चेंज करते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परसेंट डी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप वैल्यू है तो आप यहाँ पर परसेंट डी लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी टाइप का होना चाहिए। और कॉमा के बाद आप देंगे वेरिएबल नेम, और यहाँ हमारे वेरिएबल का नेम है एक्स। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही प्रिंटएफ इस परसेंट को देखेगा वो समझ जाएगा कि यकीनन यह कोई आम स्ट्रिंग नहीं है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इस परसेंट को देखते ही वो फौरन इस वेरिएबल पर, यानी कॉमा के बाद वाले वेरिएबल नेम पर जंप करेगा। वेरिएबल नेम के बाद यहाँ पर जंप करते ही ये इस टेन की वैल्यू को उठाकर लाएगा, लाने के बाद इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को दे देगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको उस फॉर्मेट में तब्दील कर देगा जो कि यहाँ पर लिखा होगा। अगर पर्सन डी लिखा होगा तो इंटीजर में तब्दील कर देगा और फिर उसको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। तो दोस्तों ये तमाम फंक्शनलिटी डिफाइन तो है इस stdio.h के पीछे, लेकिन आपको यहाँ पर ये सब काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उसकी तमाम डिटेल्स, इसकी तमाम वर्किंग इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर डिफाइन है। आपको सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखना है और ऑटोमेटिकली और प्रॉपर सिंटेक्स लिखना है और ऑटोमेटिकली आपको इसकी पूरी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने अब इस वेरिएबल की वैल्यू जो कि 10 है वो प्रिंट हो गई है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक इंटीजर को आप इंटीजर टाइप में ही, यानी अगर जो वेरिएबल है जिसकी जो टाइप है आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखे थे ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो आप ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्लोट इंटीजर टाइप, फ्लोट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो आप ये वाले तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। इसी तरह करेक्टर के लिए परसेंट सी और स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस। इस तरह से दोस्तों प्रिंटएफ फंक्शन काम करते हैं। अब आइए इसकी प्रोग्रामेटिकली कोई एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप फिक्स्ड स्ट्रिंग को, यानी एक फिक्स्ड मैसेज को किस तरह से आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिंटएफ, उसके बाद आप डालेंगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास में आप अपना स्ट्रिंग दे देंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप नंबर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, अल्फाबेट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, स्पेशल सिंबल और स्पेसेस को भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, उसके बाद मैंने एक स्पेस भी दे दिया, उसके बाद 1 2 3 डिजिट्स भी दे दिए, स्पेशल सिंबल भी लिख दिया, विच मीन्स कि ये एक पूरा मैंने स्ट्रिंग टाइप कर दिया। और आखिर में मैंने डाल दिया है सेमीकॉलन। याद रखिए दोस्तों, अगर आप सेमीकॉलन नहीं डालेंगे तो आपका कंपाइलर आपको एरर जनरेट करेगा। एक तो सेमीकॉलन और दूसरा आप प्रिंटएफ का जो कीवर्ड है, यानी जो फंक्शन नेम है, वो आप सही लिखेंगे। जो लोअर केस में है तो आप उसको लोअर केस में लिखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये फिक्स्ड स्ट्रिंग जो कि आपने प्रिंटएफ को दिया था, इसने इसको स्क्रीन तक पहुंचा दिया है। अब दोस्तों अगर मान लें हम यहाँ पर प्रिंटएफ का पी कैपिटल कर देते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये देखिए आपका कंपाइलर ने एरर जनरेट किया है। इस तरीके से अगर हम पी को तो स्मॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेमी कॉलन हटा देते हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या हमें एरर मिलता है।
और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एरर जनरेट किया है, तो हमने ये एरर्स को रिमूव कर दिया, दोबारा सेव कर दिया और हमें हमारा स्क्रीन पर आउटपुट मिल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिक्स्ड स्ट्रिंग को, फिक्स्ड मैसेज को बआसानी जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि आप डायनेमिक स्ट्रिंग को किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों डायनेमिक स्ट्रिंग के लिए मान लें हमने ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है ए, जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 10। इसको प्रिंट करवाने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स है वो है हम प्रिंटएफ फंक्शन एज इट इज लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा लिखेंगे और कॉमा के बाद आप वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो दोस्तों क्योंकि हमारे जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंट बी, और क्योंकि हमें वेरिएबल ए को, वेरिएबल ए की वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हम वेरिएबल नेम देंगे विच इज ए, और आखिर में हम इसी तरीके से सेमीकॉलन लगा देंगे। तो आइए जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो गई है 10, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं न्यू लाइन नहीं लिखा था तो इसने ऑटोमेटिकली कोई न्यू लाइन जनरेट नहीं की है। अगर आप न्यू लाइन में अपना रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में लिख देंगे बैकस्लैश एन और ये देखिए आपको 10 जो है वो न्यू लाइन के अंदर शो हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आप इन के बजाय करेक्टर को, स्ट्रिंग को और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी आप इसी तरह से यानी डायनेमिक स्ट्रिंग के जरिए आप स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने इंटीजर टाइप को तो देख लिया, इसी तरीके से हमने एक और वेरिएबल लिया है बी जिसकी डेटा टाइप है 4 और उसमें हमने एक वेरिएबल, एक करेक्टर स्टोर करवाया है एस। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डायनेमिक स्ट्रिंग के सिंटेक्स को, यानी हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा के बाद देंगे वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है। इसी तरीके से फ्लोट के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करेंगे और इसको प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ को यूज करेंगे। और दोस्तों स्ट्रिंग के लिए, यानी अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से डेटा टाइप तो 4 लेंगे लेकिन आप वेरिएबल नेम के आगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे और अपने स्ट्रिंग को स्टोर करवा देंगे इस वेरिएबल में और इसको प्रिंट करवाने के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस को यूज करेंगे। अब आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने यह गलती की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपको डिस्प्ले करवाना है आप उसी वेरिएबल का नेम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें ए को डिस्प्ले करवाना था जबकि हमने यहाँ बी लिखा है, तो हम इसको रिमूव करेंगे, दोबारा से हमने यहाँ पर ए लिख दिया है और अब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले इंटीजर टाइप वैल्यू है यानी ए वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है 10 वो आपको शो हुई है, इसी तरीके से बी वेरिएबल में जो वैल्यू 20s स्टोर है वो आपको डिस्प्ले हो गई है, सी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है 12.34 वो फ्लोटिंग क्योंकि आपने फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करवाना है और फ्लोट हमेशा पॉइंट के बाद 6 डेसिमल वैल्यूज को शो करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.34000 प्रिंट हुआ है। और आखिर में क्योंकि आप स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाना चाहते थे तो आपने हेलो जो है वो प्रिंट हो गया है, विच मीन्स कि डायनेमिक स्ट्रिंग के जरिए आप इस तरह से किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करेंगे और कॉमा के बाद वेरिएबल नेम को। और अगर आप अपना हर आउटपुट जो है वो एक नई लाइन में चाहते हैं तो आप परसेंट डी के बाद यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद या पहले भी आप बैक स्लैश एन लिख देंगे जो कि एक न्यू लाइन के अंदर आपके आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपने एक तरीका तो देख लिया कि जिसके थ्रू आप अलग अलग लाइन में, यानी आपको यहाँ पर आप देखें तो आपको 4 दफा प्रिंट एफ फंक्शन लिखना पड़ रहा है और 4 दफा ये पूरा फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये आपको इस तरह का मैं मेथड देता है कि आप एक ही प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू ये चारों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पर इस प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर पहले आपने 4 वेरिएबल लिए थे ए बी सी एंड डी और चारों की डेटा टाइप्स अलग अलग थी, इन 4 फ्लोट एंड स्ट्रिंग। अब दोस्तों आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ जो कि आपने पहले भी लिखा था, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के बाद आप इस तरह से सेमी कॉलन डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि अगर आप किसी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं, तो अगर हम इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी को यूज करेंगे।
इसके बाद आप न्यू लाइन लिख देंगे, यानी न्यू लाइन के लिए आप बैकस्लैश एन लिख देंगे। और दोस्तों जैसे ही आप परसेंट डी लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा, इस ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि कॉमा के बाद कौन सा वेरिएबल लिखा है, किस वेरिएबल से मुझे वैल्यू उठाकर लानी है और इस परसेंट डी को देनी है। तो आप जानते हैं कि आपको इंटीजर ए वेरिएबल में पड़ी वैल्यू को आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो आपने लिख दिया है ए। अब दोस्तों आपका ये पहला काम यानी इंटीजर ए में मौजूद वैल्यू 10 इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर आप बी सी और डी में मौजूद वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से दोबारा से परसेंट, अब बी जो है वो क्योंकि एक करेक्टर वेरिएबल है तो आप यूज करेंगे इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी। आपने परसेंट सी यूज कर लिया और परसेंट सी यूज करने के बाद आप बैक स्लैश एन लगा देंगे ताकि जब परसेंट डी के अंदर मौजूद वैल्यू प्रिंट हो तो फिर ऑटोमेटिकली अगली वैल्यू जो है वो न्यू लाइन के ऊपर। अब दोस्तों जैसे ही आपने परसेंट लिखा तो ये दोबारा से कॉमा के पास जाएगा और कॉमा के बाद ए के बाद जो वैल्यू होगी, कॉमा के बाद आप दोबारा से कॉमा लगाएंगे और ए के बाद जो कॉमा होगा उसके बाद जो वेरिएबल होगा ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी अब ये बी में पड़ी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करेगा। पहले ये ए, जैसे ही आपने परसेंट लिखा ये कॉमा के बाद वाले ए पर जंप करेगा और ए में से वैल्यू उठाकर लाएगा 10 और इस परसेंट डी को दे देगा। इसके बाद जब इसने ये प्रिंट कर देगा, इसके बाद ये दोबारा देखेगा कि परसेंट है तो ये दोबारा कॉमा के बाद वाली वैल्यू के पास जाएगा और क्योंकि ए को तो ये ए के पास तो ये जा चुका था, अब इसको मिलेगा नेक्स्ट कॉमा, यानी नेक्स्ट परसेंट का सिंबल है तो उसके लिए ये नेक्स्ट कॉमा के पास जाएगा और नेक्स्ट कॉमा के बाद इसको मिलेगा बी वेरिएबल, तो ये बी वेरिएबल के पास से वैल्यू उठाकर लाएगा और इस परसेंट सी को दे देगा। अब आइए देखते हैं कि क्या आपका प्रिंटफ इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यू को एक साथ प्रिंट कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक एरर आया है कि आपने ये कर्ली ब्रेसेस तो ओपन किया है लेकिन इसको क्लोज नहीं किया। तो याद रखिए सी में आप जो भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं उन्हें क्लोज करना जरूरी है, चाहे वो इस तरह से कोई ट्राइंगुलर ब्रैकेट्स हो, कर्ली ब्रेसेस हो, राउंड ब्रैकेट्स हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हो। दोस्तों अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो गया है 10 और एस। यानी पहले आपका ये सबसे पहले परसेंट डी में क्या होगा, जैसे ही आपका प्रिंटफ परसेंट देखेगा ये ऑटोमेटिकली ए पे जाएगा, ए में मौजूद है वैल्यू 10 तो ये 10 को उठाकर लाएगा और इस परसेंट डी को दे देगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद न्यू लाइन के लिए ये न्यू लाइन पर चला जाएगा। न्यू लाइन पर जाने के बाद आपने यहाँ पर दी है स्पेस, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एस से पहले भी आपको स्पेस नजर आ रही है। इसके बाद लिखा हुआ है परसेंट सी, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये परसेंट को देखेगा प्रिंटफ फंक्शन ये दोबारा से अगले कॉमा पर जंप करेगा और अगले कॉमा के बाद लिखा हुआ है बी, तो ये बी की वैल्यू को उठाकर लाएगा और इस परसेंट सी को दे देगा। इस तरह से इस परसेंट बी में मौजूद है वैल्यू एस, तो परसेंट सी इसको प्रिंट कर देगा। इस तरीके से दोस्तों अगर आप फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख देंगे परसेंट एफ और फ्लोट के लिए आपका वेरिएबल है सी। और दोस्तों अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एक लाइन में तो आप दोबारा से ये बैक स्लैश एन लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे परसेंट एस और आखिर में यहाँ पर कॉमा के बाद लगा देंगे डी। अब दोस्तों ये देखिए आपके चारों वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं, आपके चारों वेरिएबल की वैल्यूज आपको यहाँ पर एक साथ नजर आ रही हैं 10 एस 12.34 एंड हेलो। इस तरीके से दोस्तों जो काम आप चार लाइनों में कर रहे थे, चार प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हुए कर रहे थे, सी लैंग्वेज आपको ये फिजिबिलिटी देती है कि आप वो इजीली जो है आप एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमने इस प्रोग्राम में, हमने एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है जिसके अंदर हम दो नंबर्स का एवरेज मालूम करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो नंबर्स लिए हैं ए और बी, जिसमें हमने जो कि इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 10। अब दोस्तों क्योंकि हमें एवरेज मालूम करना है तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स और लिए हैं सी एंड वेरिएबल ए वी जी, और दोनों ही इंटीजर टाइप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिए कि आप जानते हैं कि एवरेज अगर आप किसी दो नंबर्स का मालूम करना चाहते हैं तो उसमें आपको दो टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला तो ये कि आपको पहले उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना होता है और ऐड करवाने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको डिवाइड करना होता है जितने नंबर्स का आपको एवरेज चाहिए। मान लें आपने दो नंबर्स का एवरेज आपको चाहिए तो आपको दो नंबर्स को ऐड करवाना है और डिवाइडेड भी 2 से ही करना है। अगर आप तीन नंबर्स का एवरेज मालूम करना चाह रहे हैं तो आप तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे
और डिवाइड करेंगे 3 से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट स्टोर करवा दिया सी में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर देते। तो याद रखिए सी लैंग्वेज में जब आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो तो उस फॉर्मूला को ब्रेक कर लें छोटे छोटे पार्ट्स में और पहले पार्ट को कंप्लीट करने के बाद उसका रिजल्ट स्टोर करवा दें एक नए वेरिएबल में और फिर अगले पार्ट में उस वेरिएबल को यूज करें। तो यहाँ पर हमने ए और बी को प्लस किया और प्लस करने के बाद रिजल्ट को डाल दिया सी में। इसके बाद हमने जो रिजल्ट था उसको डिवाइड करवा दिया 2 से और फिर 2 को भी स्टोर करवा दिया, 2 का जो रिजल्ट इसका आया इसको स्टोर करवा दिया ए वी जी के अंदर, यानी ए वी जी वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसको प्रिंट करवाने का तरीका ये है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोटेशन के अंदर और कॉमा के बाद वेरिएबल की वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना है। अब दोस्तों आइए इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पर ये आपके वेरिएबल का रिजल्ट आया है 10, यानी 10 प्लस 10 20 होता है और जब 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 10। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने ये सीखा कि आपको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है आउटपुट स्क्रीन पर, यहाँ पर आप वो वेरिएबल नेम दे देंगे। लेकिन दोस्तों आप वेरिएबल नेम के अलावा अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी आप प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एवीजी लिखने के बजाय हम लिख देते हैं सी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से इस लाइन को मिटा देते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको ये सी जैसे ही ये परसेंट डी को प्रिंटफ देखेगा ये ऑटोमेटिकली कॉमा के बाद जो वेरिएबल है उस पर जंप करेगा, सी से वैल्यू उठाकर लाएगा जो कि होगी 20, 20 को डिवाइडेड कराएगा 2 से और 2 से डिवाइड करने के बाद इस परसेंट डी को दे देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सप्रेशंस को भी और वेरिएबल्स को भी आप इस कॉमा के बाद यूज कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल को ही यूज किया है एक्सप्रेशन में। तो डियर फ्रेंड्स आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। और दोस्तों ये देखिए इसका भी सेम वही रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स दोनों को ही प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर यूज। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। इसमें हमने सीखा कि प्रिंटफ फंक्शन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और आप इसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, फील्ड विथ स्पेसिफायर्स इन सी, यानी ये जो स्पेसिफायर्स हैं, अभी तक आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे थे, आज अगले लेक्चर में हम फील्ड विथ स्पेसिफायर देखेंगे और फिर उन स्पेसिफायर्स को प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।